अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। ये है मेरा चैनल बाजी दर्जन और मैं आज दो सूट मैंने स्टिच किए थे, सोचा आप लोगों से शेयर करती जाऊँ। तो वीडियो देखने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो में नए से नए डिज़ाइनिंग और नए से नए आइडियाज़ आपको ज़रूर देखने और सीखने को मिले इंशाल्लाह। तो ये है मेरा पहला सूट, ये है जी ब्लैक कलर में। इसमें थोड़ा फैंसी लुक मैंने देनी थी तो वो कैसे दिए, क्योंकि गर्मियों में कोई आ जाए फंक्शन तो दिल होता है कि चलो लॉन के सूट ही पहन लिए जिसको थोड़ी फैंसी लुक दी जाए। तो इसको मैंने कैसे दी है जी, ये देखें, इसका मैंने गोल वी नेक लाइन बनाया है। ये देखें, गोल वी नेक लाइन बनाया और उसमें मैंने ये फैंसी लेस लगाई है जो कि मैंने ऑफ वाइट और गोल्डन कलर में लगाई है, और इसके बीच बटन भी लगने वाले हैं जो अभी मैंने नहीं ख़रीदे और सूट मैंने दिखाना था आपको, तो बटन बाद में लगा लूँगी अपनी पसंद के, वो भी कस्टमर ने नहीं भेजे मुझे। अच्छा जी, तो ये है इसकी जी ऑल ओवर लुक। और ये आ गया जी नीचे इसका दामन, और दामन देखे जी इसका कैसे रेडी किया। इसमें मैंने जो ऑर्गेन्जा है उसको लगा दिया गया, जिसमें तीन ऐसे पिन टैक्स की एक एक इंच पे सारी ये बॉर्डर पे सिलाइयाँ लगा दी गई हैं, और ऊपर नीचे फिर वही फैंसी लेस जो मैंने नेक लाइन पे यूज़ किया है वही लगाई गई है, और इसके बॉटम में नीचे जो बॉर्डर है दामन पे मैंने क्या किया जी, इसके दामन पे मैंने ऐसे जो वन साइड पाइपिंग करके, तो ये ऐसे मैंने समोसियाँ ऐसी ऐसे मैंने सारी दामन पे लगा ली हैं जो एक ऐसे डिफरेंट लुक दे रहे हैं। आप ये जो डिज़ाइन है ये इसे आप उसको ट्राउज़र पर भी यूज़ कर सकते हैं, इसे आप अपने बाजू पर भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए आस्तीन में भी डिज़ाइन ये बना हुआ प्यारा लगता है, इस तरह आप ट्राउज़र पे भी इसी डिज़ाइन को बना सकते हैं। अच्छा जी, ये मैंने इसके जो क्या कहते हैं चाक पट्टी मैंने बनाई है वो मैंने इसके ऊपर साइडों में पलटा लगा दिया है रेड ही कलर का, और ये देखिए जी ये हैं इसके आस्तीन, और आस्तीन मैंने कैसे बनाए हैं ये देखिए। आस्तीन में भी जी मैंने इस पर पिन टैक्स की जो सिलाइयाँ होती हैं प्लेट प्लेट वाली वो मैंने लगाई हैं पूरी आस्तीन पे, ऐसे तकरीबन तीन तीन इंच के फासले पे मैंने पिन टैक्स की ये प्लेट लगाई हैं, और नीचे फिर यही फैंसी लेस मैंने दे दी है, और इस तरह से मैंने इस सूट को ये देखें ऐसे फैंसी लुक मैंने दे दी है सूट को। ये देखें लॉन का सूट था और इसको थोड़ी सी मैंने ऐसे डिफरेंट सी लुक दे दी है, सिंपल ये सूट था बस थोड़ा थोड़ा बीच में ये वर्क हुआ हुआ था फैंसी। अच्छा जी, ये है इसके साथ जी शलवार, इसके साथ शलवार कस्टमर ने बोली थी और ये बस इसके पांचे बना दी गए हैं। अच्छा जी, ये आ गया सेकंड सूट, ये मुझे वो जो छोटे चाक वाले फ्रॉक है उसकी डिमांड थी, तो ये देखें जी ये मैंने कैसे बनाया। इस पर भी देखें जी मैंने दरमियान में ऐसे एक पट्टी है जिसमें बटन लगा दिए गए हैं, और साइड में ये छः छः सात सात प्लेट्स लगाई गई हैं जो कि ये चेस्ट से थोड़ा नीचे यानी कि ऊपर से यहाँ तक तकरीबन 12 इंच तक ये प्लेट्स डाली गई हैं दोनों साइड पे, ठीक हो गया। और इसके साइड पे ऐसे एक पैनल दिया गया है, और नीचे ये देखें ये इसका दामन है, दामन में इसके नीचे ऑर्गेन्जा की पट्टी लगाई गई है, उसके ऊपर भी ये सी ग्रीन मैंने ऐसे पट्टियाँ लगा दी हैं, और बीच में ये सी ग्रीन लेस लगा दी है, इस तरह से इसका ऑर्गेन्जा का दामन बना दिया गया। और ये है जी इसके चाक, इसके छोटे छोटे तकरीबन 12 इंच के इसके चाक बनाए गए हैं, और इसके अंदर भी ये पलटा लगा दिया गया। अच्छा जी, ये है जी इसके आस्तीन इसके थोड़े क्वार्टर बना दिए और खुले बॉटम में बनाए हैं, गर्मियों का सूट था सो उन्होंने बोला था इसको थोड़ा खुला खुला स्विच कीजिएगा जो उनके लिए कम्फर्टेबल हो। और ये है जी इसकी बैक साइड, और बैक में भी जितना पैनल है उसके ऊपर ये प्लेट्स डाल दी गई हैं, प्लेट्स भी तकरीबन नेक लाइन से नीचे 10 इंच तक ये प्लेट्स हैं तो ये इसमें लगा दी गई हैं। अच्छा जी, ये है इसके साथ ट्राउज़र, और ट्राउज़र का जो नीचे बॉटम है बॉटम में भी वही लेस जो दामन पे यूज़ की गई है वो लेस है, और इसका पोंचा रखा गया है जी 6 इंच। ये थे मेरे हल्के फुल्के कैजुअल सूट की डिज़ाइनिंग, ये देखिए जी आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये है मेरा पहला सूट, पता नहीं कैमरे में ये पूरा से आपको नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा। और ये है जी मेरा दूसरा सूट, ये उसका दामन बना दिया गया है। तो ये थे मेरे दोनों सूटों की डिज़ाइनिंग, तो उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो जाने से पहले आप सबसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सदा खुश रहें, अल्लाह हाफिज़।